नमस्कार। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग 7th क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं डाटा के बारे में, डाटा हैंडलिंग कैसे किया जाता है, मीन मीडियन मोड के बारे में, है ना। इस साल हम लोग ये सब पिक्टोग्राफ और ये सब ग्राफ वगैरह कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ में पिक्चर बनाया जाता है, पिक्चर बना करके एक मतलब सिंबल यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये एक पिक्टोग्राफ है, इसमें जुलाई में कितने कार सेल हुए, तो यहाँ पर दो कार बना हुआ है और एक आधा कार बना हुआ है, तो एक कार का मीनिंग है 100 कार, तो कितने हो गए 2.5, यानी कि 250, है ना। और इसमें अगस्त में 1, 2, 3, तो 3 कार हैं तो इसलिए 300। सितंबर में 1, 2, 3, 4, तो 4 कार हैं दिख रहे हैं, तो यानी कि 400 है कि नहीं। यही है, इससे हम लोग अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, हाउ मेनी कार्स पर प्रोड्यूस। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है। ओके, दूसरा चीज है बार ग्राफ। बार ग्राफ भी आप जानते हैं, बार ग्राफ कैसे रहता है। यहाँ पर दो एक्सिस रहता है, एक ये आपका ये, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इसमें दो एक्सिस है, इसमें हम लोग बार का मतलब बार टाइप का ग्राफ बनाते हैं, है कि नहीं। 2003-04 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 कितने हैं, 100 हैं। 2004-05 में जो है 200 है कि नहीं। 5-06 में जो है 250 है। 6-07 में कितने हैं, 300 हैं। और 7-08 में कितने हैं, 350 हैं। ऐसे करके ये बढ़ रहा है बार ग्राफ, तो ये बार ग्राफ हो गया। अब डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ में दो चीज, जैसे दो दो ग्राफ एक साथ रहता है। जैसे ये अब ये मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट्स, और इधर क्या है सब्जेक्ट, मैथ्स में 2005, एक ये 2005-06 का बता रहा है वाइट वाला, और ये जो डार्क वाला ग्राफ है ये 2006-07 का बता रहा है। तो ये हो गया हमारा मैथ्स में मार्क्स ऑब्टेंड कितना है 2005-06 में, तो 30, और 2006-07 में कितना है, तो 60 है कि नहीं, है ना। सोशल साइंस में 2005-06 में कितना है, 50, और 2006-07 में 55, क्योंकि 50 और 60 के बीच में है ये, आप डॉट डॉट करके ले जाएंगे तो दोनों के बीच में लाई करेगा। अब ये साइंस है, साइंस में कितना आया है 45, ठीक है, 2005-06 में, और 2006-07 में कितना है, तो 50। और इंग्लिश में कितना है, 2005-06 में जो है 50 है और 6-07 में 45 है कि नहीं। ऐसे करके ये ग्राफ है। अब इसका अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये मंथ है, मंथ में ये दिया हुआ है, और ये नंबर ऑफ वॉच सोल्ड 1000, 1500, 1500, 2000, 2500, और ये 1500। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, बार ग्राफ बना सकते हैं आप, है कि नहीं। बार ग्राफ बना सकते हैं इसके लिए, इसमें भी बार, इसमें जो है डबल बार ग्राफ बना लेंगे, है ना। वॉकिंग कर स्कूल ए में वॉकिंग वाले इतने, साइकिलिंग वाले इतने, तो डबल बार ग्राफ बनाइए इसमें, है ना, बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे डाटा को ऑर्गेनाइज करना, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक तो ये टैली मार्क्स वाला हो गया। टैली मार्क्स आपको पता है टैली मार्क्स कैसे होता है, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन, ये ट्राई दीज में एक क्वेश्चन दिया है, पेट्स हैं दिए हुए हैं, डॉग है, कैट है, फिर कैट, फिर फिश, कैट, रैबिट, तो आप क्या करेंगे, टैली मार्क फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे और उसमें टैली मार्क लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पेट, पेट का नाम लिख दीजिए, डॉग हो गया, है ना, कैट है, फिश है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टैली मार्क्स, चाहे बीच में भी टैली मार्क्स लिख सकते हैं। अब देखिए डॉग कितना है, काउंट करिए इसमें,
अच्छा फिश के साथ रैबिट भी तो है, रैबिट भी है, काऊ भी है, ठीक है। तो ये सब अब हम लोग देखते हैं। डॉग, डॉग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डॉग हैं। तो 10 स्टूडेंट्स जो हैं डॉग को पसंद करते हैं। तो 10 के लिए टैली मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके टैली मार्क्स बना देंगे। उसी तरह कैट का काउंट करिए। कैट आप देखेंगे अपने बुक में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो इसमें भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 + 5 10। उसी तरह फिश, फिश कितने लोग पाले हैं, तो 1 2 3, तीन ही लोग हैं, तो 1 2 3। फिर उसी तरह रैबिट, रैबिट कितने लोग पाले हैं, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, है कि नहीं। काऊ कितने लोग पाले हैं, तो काऊ 1 1 ही है, समझे। हाँ तो ऐसे करके बनाना है। अब ग्रुपिंग डाटा, अब डाटा को ग्रुप, ये तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग फ्रिक्वेंसी टेबल से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ग्रुप कैसे बनाएंगे, ग्रुप के लिए जैसे इसमें बहुत सारे 60 स्टूडेंट्स का जो है दिया हुआ है, आउट ऑफ 50, 50 में से है ना कि 60 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको जो मार्क्स दिए हैं इसको हम लोग ग्रुप में ग्रुप बना लेंगे। कैसा, ये जो मार्क्स दिए हैं तो इसको हम लोग ग्रुप बना सकते हैं ऐसा, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब 0 से 10 का मतलब है कि 10 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो, तो कौन कौन है जो कि 0 से 10 के बीच में लाई कर सकते हैं, एक है 5। फिर उसके बाद आपका सेवन है, 2 हो गया, तो 2 है। तो यहाँ पे आप टैली मार्क बना दीजिए ऐसा लाइन 2, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिख दीजिए 2। ऐसे ही 10 से 20 के बीच में, तो 10 से बड़ा, 10 से 20 के बीच में जो है वो 0 से 10 वाले में 10 को नहीं लेंगे, 10 से 20 में जो है उसको 10 को लेंगे। तो 10 A 1 हो गया, ये हो गया 12 जो कि 10 से 20 के बीच में लाई करता है, 2। फिर उसके बाद ये 3, फिर उसके बाद ये 4 19 है, 5 18 है, 6 16 7, 10 8, फिर क्या है ये 16 9 17 10, 10 है। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 5 + 5 10। तो ऐसे करके आपको सब पूरा बनाना है, ठीक है। तो ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, क्लास का इंटरवल है ये, 0 से 10, 10 से 20, ये क्लास इंटरवल है, समझे। इसमें ये जो फोर, जैसे मान लीजिए कि 0 से 10, इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट और ये इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो हो जाएगा रेंज, बात समझे। रेंज या फिर साइज, सॉरी रेंज नहीं, साइज, क्लास का विड्थ या फिर साइज बोलते हैं, समझे। तो यही है। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, 100 से 125 के बीच में 45 वर्कर हैं, डेली इनकम जिनका 100 से 125 के बीच में है, जिनका डेली का इनकम जो है 125 से 150 के बीच में, उस कितने हैं 25 वर्कर, वन फिफ्टी से 175, तो उसमें 55 वर्कर हैं, 175 से 200
इसमें 125 वर्कर हैं, ऐसे करके सब दिया हुआ है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, सबका क्लास इंटरवल का साइज कितना है? तो 325 से 300 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा ना, सबका 25 ही है कि नहीं? विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसका है? ये 140 वाला, 200 से लेकर के 225, ये जो है सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला है। लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी, तो लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी जो है ये 300 से 325 है कि नहीं, उसमें 20 लोग हैं। और अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ये 275 है अपर लिमिट। विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रिक्वेंसी, कौन कौन से क्लास का फ्रिक्वेंसी सेम है? ये 225, 250 और एक ये 150 से 175, दोनों में 55 55 है, दोनों में 55 है ना? अब ये कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डाटा ऑन वेट ऑफ 20 स्टूडेंट, ये 30 से 35, 35 से 40, ऐसे करके इसको लिखना है, आगे बढ़ना है और बनाना है, बना लीजिएगा। अब बार्स विथ डिफरेंस, अब बार ग्राफ बनाना है जिसमें, जैसे ये तो जीरो से स्टार्ट था, अगर जो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? जैसे ये जीरो, ये जो इसको बोलते हैं ब्रेक, ये जो है ना ब्रेक रहता है, क्या करता है, जो जैसे ये 125 से स्टार्ट हो रहा है, ये बीच में जीरो के बाद डायरेक्ट 125 आ गया था, इसलिए फिर ये ब्रेक लगा दिया है ना। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बींग गिवन बाय द हिस्टोग्राम, इसमें क्या बताया जा रहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 7th एंड देयर हाइट, मतलब हाइट्स ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 7th के गर्ल्स का हाइट बता रहा है। विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम गर्ल्स, 142 145, 140 से 145 सेंटीमीटर वाला जो ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा है ना 7। अब क्वेश्चन है, हाउ मैनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर, 145 से ऊपर है कितने लोग का? तो ये 145 से ऊपर सबको ये प्लस कर दीजिए, 421, ये 145 से ऊपर वाला 421, 4 + 2 = 6 + 1 = 7, तो 7 हो जाएगा है कि नहीं? अब है ठीक है, अब 5.1 को पढ़िए। फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग, अलग अलग एरिया का नंबर ऑफ लेटर बताना है। तो नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, इसका हम लोग कंटिन्यूअस उसमें नहीं बना सकते ना। द हाइट ऑफ कंप्यूटर इन एन एथलेटिक्स मीट, इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डब्लू मैन का एम लिखा हुआ है, शॉपर्स हु कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर, मैन का एम है, वीमेन का डब्ल्यू है, बॉय का बी है, गर्ल्स का जी है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, बना लेंगे, काउंट करके देख लीजिएगा, और फिर बार ग्राफ भी बनाना है। वीकली वेजेज ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर इतना, ये सब वीकली वेज दिया हुआ है। अब 30 वर्कर्स, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, 800 to 810, 810 to 820 करके ले लीजिएगा, बनाइए। ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3, इसका हिस्टोग्राम भी बनाना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, देख लीजिएगा उसको हिस्टोग्राम में सबसे ज़्यादा किस में आता है, कौन से ग्रुप में। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, 850 से ज़्यादा कितने लोग हैं, सबको प्लस कर देना है। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, बाकी जो बचे वो 850 से कम है। अब नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन, ये दिया हुआ है ग्राफ, इसको ग्राफ को पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मेनी
आज डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना? 32। किस में है? 4 से लेकर के 5, 4 से 5 घंटे तक। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स? 4 से कम, 22 ये 8 30, अच्छा 34, 34 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स? 5 से ज़्यादा, तो 8 और ये 6, 14, 14 स्टूडेंट्स 5 से 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं, है ना। अब है पाई चार्ट, सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट इसको हम लोग बोलते हैं। जो इसमें कोई भी चीज़ जो होगा उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 360 से इंटू करेंगे। जैसे ये 50%, 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए 50/100, तो ये हो जाएगा 1/2। 50 से 100 2 टाइम्स में कटेगा, 50 से 100 कट गया 2 टाइम्स में, तो 1/2 हो गया। तो 1/2 को 360 से इंटू करिए तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर एक 180 डिग्री हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो इतने लोगों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, आइसक्रीम वैनिला वाला 25%, 25/100 यानी कि 1/4, 1/4 इंटू 360 ये 90 हो जाएगा। तो ये वैनिला और अदर फ्लेवर 25% हुई, तो ये अदर फ्लेवर है कि नहीं। तो ऐसे करके इसको बनाना है पाई चार्ट। चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. ये pie chart बनाया गया उसको लेकर के। From this pie chart, answer the following. If 20 people liked classical music, classical music 20 people हैं, how many young people were surveyed? कितने लोग का surveying हुआ? तो ये total अगर x है, एक्स का 10% जो है वो 20 पीपल है, क्लासिकल वाले 20 हैं, मतलब कि 10% ऑफ दिस एक्स इज इक्वल टू 20। अब इसको बनाइए। टेन परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20, तो 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20, ये हो गया एक्स अपॉन में ये 10 इज इक्वल टू 20, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 20 × 10 = 200, ये हो गया है कि नहीं। तो 200 बच्चों का वो हुआ था। अच्छा, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक लाइक किया जा रहा है? तो लाइट म्यूजिक 40% है कि नहीं। If a cassette company were to make 1000 CD, how many of each type would they make? 1000 CD cassette बनाना है, CD cassette, 1000 CD, तो कितना कितना बनाएगा सबके लिए? तो 1000 cassette अगर बनाना है तो 1000 का 20% निकाल लीजिए, तो सेमी क्लासिकल उतना बनाना पड़ेगा, है ना। सबका परसेंट से इंटू कर दीजिए, यानी कि 10% ऑफ 1000, 20% ऑफ 1000 सबको निकाल लीजिए, सबका इंटू कर करके, यानी कि जैसे क्लासिकल वाला 10% है, तो 10% ऑफ क्लासिकल सीडी, क्लासिकल गानों का कितना सीडी बनाना पड़ेगा? तो क्लासिकल के लिए क्लासिकल है 10%, तो नंबर ऑफ सीडी यानी कि 10% ऑफ 1000, तो 10/100 इंटू 1000, 2 0 से 2 0 कट गया, 10 × 10 = 100, समझे कैसे करके। तो ऐसे करके सबका निकालना है, सेमी क्लासिकल 20% है तो 20% ऑफ 1000 करके निकाल देंगे, फिर ये फोक वाला 30% है, ऐसे करके निकालिए। अब है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेयर आज टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन।
फेवरेट सीजन का वोटिंग किया गया तो समर सीजन 90 लोग वोट किया समर सीजन को लाइक करता है, 120 लोग रेनी सीजन को, 150 लोग विंटर सीजन को। विच सीजन, पहले इसका पाई चार्ट बनाना है। अच्छा, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, तो विंटर सीजन। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, सेंट्रल एंगल तीनों का निकालना है। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 90 अपॉन में 360 × 360, ये टोटल नंबर, मतलब कि जैसे इसमें समर सीजन वाले में कितने हैं, 90 हैं, समर सीजन को लाइक करने वाले 90 हैं, तो क्या करेंगे हम लोग उसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे, तो क्या होगा 90 अपॉन में टोटल टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 360, तो 90 अपॉन में 360 × 360 डिग्री, तो 360 से 360 कट जाएगा यानी कि 90 डिग्री, तो इसका 90 डिग्री होगा। उसी तरह इसका भी निकाल लेंगे, उसी तरह इसका भी निकालेंगे, इसका 120 आएगा, इसका 150 आएगा, है ना। फिर पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले 90 हम लोग एक यहाँ पर, ये 90 डिग्री एक का हो गया, और एक का 120, और एक का 150, 120। तो यहाँ से 120 डिग्री एंगल आपको बनाना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री, और ये 150 डिग्री। वो आप प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, प्रोटेक्टर का यूज़ करके, समझे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें भी पाई चार्ट बनाना है शोइंग द डिफरेंट इन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये पाई चार्ट बनाना है, वही सब पाई चार्ट वैसे ही बनाना है, आप उसको कन्वर्ट करिए। टोटल 36 है, तो 18 अपॉन में 36 × है ना, 18/36 × 360, तो सबका एंगल निकाल लीजिए और सबका फिर वो पाई चार्ट बनाइए। अब यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाई स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल और साइंस। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105? 105 किस में है, तो टोटल, पहले टोटल मार्क्स 540 है, तो 540 का 105 कितना परसेंट होगा, तो निकालिए। वन हंड्रेड फाइव अपॉन में 540 × 360, 0 से 0 कट गया है ना, ठीक है। 9 से ये 9 4 36, 9 4 जा और ये 9 6 जा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसको 3 से डिवाइड करिए, 2 टाइम्स, और ये 3 से 3 3 जा 9, और ये 3 5 जा 15, 2 से ये 4, 2 टाइम्स, तो 35 × 2 35 × 2 70 डिग्री। तो 70 डिग्री किस में है, ये हिंदी, तो हिंदी में 105 आया है ना। तो हाउ मैनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेंड बाई द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, तो मैथ्स में कितना आया है, 90 डिग्री है, तो उसको मैथ्स का 90 डिग्री से करके वो निकाल लीजिए, तो 90 अपॉन 360 × 540, तो 90 डिग्री अपॉन में 360 × 540, तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। सॉरी फिर से देखिए, 90 अपॉन 360 × 540, तो 90 से ये 4 टाइम्स में, 4 से ये 4 1 जा 4 4 3 जा 12, और 2 0 4 5 जा, यानी कि 135 मार्क्स मैथ्स में आएगा, और आपका हिंदी में 105 है, तो उसको माइनस करिए तो 30 आ जाएगा। फिर अब ऐसे ही एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी, तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का क्या साइंस और हिंदी से ज़्यादा है कि कम है। तो वो तो वैसे बस
इनको अगर प्लस करेंगे सेंट्रल एंगल को, 90 प्लस 65 ये हो जाएगा 155, और यहाँ पे 70 प्लस 80 150, तो मैथ्स और सोशल साइंस मिला करके ज़्यादा ना हुआ, 155 डिग्री ज़्यादा एंगल है, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब इसका पाई चार्ट बनाना है, बना लीजिए। टोटल 72 हैं, 40 अपॉन में 72 इंटू 360, तो सबका एंगल एंगल निकाल करके बस बना लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्या है? तो जैसे अगर हम लोग कोई कभी भी एक जैसे मतलब कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं तो दो चीज आता है उसमें, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, हेड और टेल, है कि नहीं, समझे? और इसका हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 5.3। अब देखिए, एक व्हील को स्पाइन किया जा रहा है, ठीक है? तो स्पाइनिंग अ व्हील, आउटकम्स ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। ए दो बार आ रहा है तो ये इक्वली लाइकली ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं है, सही नहीं है। टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, दो कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे, दो कॉइन को टॉस करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें लिस्ट द आउटकम, आउटकम बताना है, ए डी सी ए ए बी सी डी, चार आउटकम है इसमें। दो कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं, दो कॉइन को टॉस करते हैं तो फिर हेड हेड आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, और दोनों टेल आ सकता है कि नहीं? ये सब ठीक है। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर आएगा तो डाइस जब थ्रो किया जाता है, डाइस जब हम लोग थ्रो करेंगे तो क्या क्या उसमें आउटकम आएगा? वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा। डाइस जानते हैं ना, जिससे आप लूडो खेलते हैं, तो उसमें छ रहता है ना डाइस, उसमें छ ऐसे मार्किंग किया रहता है, तो 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? तो वही सिक्स तक है। अब कह रहा है कि प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कैसे, प्राइम नंबर कौन कौन सा है? एक ये है, टू है, थ्री है, फाइव है। तो टोटल मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी जानते हैं क्या होता है? लिस्ट ऑफ आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, लिस्ट द आउटकम्स। हाँ ठीक है, कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन सा है, फर्स्ट का ए में लिख सकते हैं आप, टू थ्री और फाइव, टू थ्री और फाइव है ना, ठीक है। नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन सा नहीं है, तो 1 4 और 6, तो बी वाले में आंसर हो जाएगा 1 4 और 6, ये सब प्राइम नंबर नहीं है। अब कहता है कि अ नंबर ग्रेटर देन फाइव, नंबर ग्रेटर देन फाइव क्या है? इसी में दूसरा का ए है, ग्रेटर देन फाइव तो एक ही है सिक्स, और उसी में बी पूछता है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन फाइव, तो फाइव से बड़ा नहीं, तो चार है ना, तो टोटल 1 2 3 4, ये चारों, ये जो 1 2 3 4 है, ये चारों फाइव से बड़े नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर वन का ए, वन का ए में इसका डी पर स्टॉप होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो डी पर स्टॉप टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, फाइव है, और डी पर स्टॉप होने का तो 1 अपॉन में 5, है कि नहीं, 1/5 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, अब कार्ड्स के बारे में आपको हम बता देते हैं थोड़ा। कार्ड्स आप लोग प्लेइंग कार्ड जानते हैं, प्लेइंग कार्ड जो होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। वो जो 52 कार्ड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लैक, आप लोग 10th क्लास में और पढ़ेंगे, और एक रेड, देखे होंगे आप लोग घरों में, घरों में रहता है, बहुत सारे लोग खेलते भी हैं। तो ब्लैक में क्या क्या होता है, ब्लैक में क्या क्या होता है? एक होता है स्पेड और एक होता है
क्लब, स्पेड ऐसा पान का पत्ता की तरह बना रहता है, ऐसा टाइप का कुछ है ना। और क्लब जो है ऐसा चिड़िया के जैसा बना रहता है, चिड़िया सब बोलता है ऐसे करके। ठीक है, क्लब। और रेड कौन कौन से कार्ड होते हैं? एक होता है डायमंड, डायमंड ऐसा ऐसा स्क्वायर शेप में बना रहता है, डायमंड शेप में। और एक होता है हार्ट, है ना, वो हार्ट शेप में बना रहता है। ठीक है, तो ये अब इसमें जो इसमें कह रहा है एस कार्ड, एस कार्ड सब में एक एक होते हैं, सब में एक एक एस कार्ड होता है, इक्का जिसको हम लोग इक्का बोलते हैं, ए ए लिखा रहता है ना। तो ये सब में एक एक होते हैं, तो टोटल चार कार्ड हो गए, तो 4 अपॉन में टोटल कितना, 52, 4 बाय 52 हो जाएगा, है ना। तो 4 बाय 52 हो जाएगा इसका, तो 4 अपॉन में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहां पर फेवरेबल आउटकम चार ही हैं, चार ही है ना, एस सब में एक एक है, तो चार एस कार्ड हो गया, तो 4 अपॉन में 52, टोटल 52 हैं कार्ड्स, तो 4 बाय 52 यानी कि ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में, और ये 13 टाइम्स में, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 बाय 13, है कि नहीं। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, यहाँ पे रेड ये देखिए, इसमें ग्रीन है, रेड है, रेड है, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, तो 1 2 3 4, चार एप्पल्स जो हैं वो कितने हैं, मतलब टोटल एप्पल्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, सेवन है, सेवन में से जो चार हैं वो क्या हैं, चार कैसे हैं, चार जो हैं मतलब रेड हैं, तो 4 अपॉन में 7 कर देंगे, है कि नहीं। तो ऐसे नंबर 1 to 10, 10 आर रिटेन ऑन टॉप, ऑन सॉरी ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स में 1 से लेकर के 10 तक लिखा हुआ है, केप्ट इन अ बॉक्स, बॉक्स में रखा गया और उसको मिक्स किया गया, एक स्लिप निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6? 6 तो एक ही बार में लिखा होगा, तो 1 अपॉन में 10, है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी वही निकाल दीजिएगा, 1 बाय 10। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 पांच नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो 5 बाय 10, 5 बाय 10 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 बाय 10 कैंसिल हो करके 1 बाय 2, है कि नहीं। अब गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 कौन कौन से हैं, तो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, चार नंबर हो गए, तो 4 अपॉन में 10, टोटल 10 है, तो 4 2 से ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, यानी कि 2 बाई 5, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2 बाई 5। गेटिंग अ वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर तो सभी हैं बस 10 को छोड़ करके, तो 9 अपॉन में 10, है कि नहीं। तो ये हो गया, इफ यू हैव अ स्पाइनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 3 ग्रीन सेक्टर हैं, 1 ब्लू सेक्टर है, उसमें 3 ग्रीन सेक्टर हैं और 1 ब्लू है, ऐसा है, 3 ग्रीन है, 1 ब्लू है और 1 रेड है, मतलब टोटल 5 सेक्टर हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब 3 ग्रीन है तो इसको 3 ग्रीन बना लीजिए, 1 2 3 4 3 4 5, ये तो 6 बन गए, तो ऐसे करके 5 सेक्टर हैं, 5 में से 3 ग्रीन है और 1 ब्लू है और 1 रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर तो ग्रीन 3 ग्रीन है ना, तो 3 अपॉन में 5, 3 बाई 5 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू, नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू तो ब्लू 1 है और ब्लू को छोड़ करके कितने हो गए, 4 दूसरे हैं, तो 4 बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है उन सबका, तो आप निकाल सकते हैं वो सेकंड क्वेश्चन के सबका। ठीक है, तो
ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, इसको कंप्लीट करिए आप लोग। ओके, थैंक यू, नमस्कार।